my God. माते का आशीर्वाद मिल गया, आपका भाई अब रॉक करेगा। क्या बनेगा? जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का दूसरे पार्ट में। तो रामनवमी का यह सेकंड पार्ट, आप लोगों ने ट्रेलर देख के अंदाजा लगा लिया होगा कितना भव्य था। राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा विगत 23 वर्षों से दारागंज के पूरे प्रांगण में निकाली जाती है और ये दारागंज का एक ऐतिहासिक राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम विगत 23 वर्षों से समाज के लोगों से मिल करके ये यात्रा निकाले गए हैं, निकालते रहे। इस यात्रा में हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक माननीय महापौर जी, यहाँ के माननीय पार्षद जी और जो भी मुख्य मुख्य पदाधिकारी है इस यात्रा में रहते हैं। लगभग इस यात्रा में 1000 से लगभग लोग रहते हैं। इस यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और जगह जगह इस यात्रा का भव्य स्वागत होता है। फूलों का छिड़काव होता है, जगह जगह रसनाएं दी जाती है। रसना है, मैंगो जूस है और नींबू का पानी है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग ये यात्रा 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मदिन होता है और सायंकाल 4 बजे इस यात्रा को निकालते हैं। तो जो लोग यात्रा में चल रहे होते हैं वो प्यासे भी होते हैं, काफी एनर्जी उनकी लॉस होती है, तो लोग उनके स्वागत में यही सब चीज है, नींबू का शरबत है, मैंगो से, ये सब का स्वागत करते हैं। हम लोगों को एनर्जी मिलती है और उन लोगों का आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के उन लोगों ने स्वागत किया है हम उसके हृदय से आभारी रहेंगे। प्रकाश वैश्य, संस्थापक श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा। कर रहे हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए। जय श्री राम।
भाई यहाँ प्रसाद पेठा मिल रहा है और पानी मिल रहा है आप सभी को, सभी भक्तों को दिया जा रहा है और फ्री सेवा है भाई। हमारे अतुल भाई भी ले लिए प्रसाद, तमाम दोस्त अरे भाई साहब तो आज प्रसाद पे प्रसाद ले रहे हैं। भाई यहाँ पे पालकी भी है, मुझे लगता है प्रसाद भंडारे में। ओ भाई प्रयागराज के दारागंज में आज भव्य श्री राम जी का शोभा यात्रा श्री राम जी के जन्मोत्सव पर संपन्न होने को है और हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं दारागंज के चौराहे पर। वाह भाई, ओ माय गॉड, दारागंज में चल चल के जो है श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ गया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और इधर ट्रैफिक लगने की वजह से भैया भाभी भी फंसे हुए हैं गाँव में, पूरा एकदम भाई माहौल बन गया है तो राम जन्मोत्सव पर। यात्रा स्टार्ट हुआ था वहीं पे आगे खत्म होनी थी और सफलतापूर्वक पहुंच गई यहाँ पे तमाम दोस्तों के सहयोग की वजह से। और यहाँ पे श्री राम प्रभु को, लखन लाल और हनुमान जी को उतारा जाएगा। आशीर्वाद दिया जा रहा है क्या यहाँ पर? अरे माते हमको भी आशीर्वाद दीजिए, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, कपाड़े पे हाथ रख के दे दीजिए आशीर्वाद। माते का आशीर्वाद मिल गया आपका भाई अब रॉक करेगा। और जितने भी राम भक्त हमारे प्रयागराज से देख रहे हैं और कमेंट में श्री राम भगवान का जन्मदिन जरूर विश करिएगा। और आप सभी के लिए मेरी यही प्रभु से दुआ है कि आप सभी लोग जहाँ रहे तरक्की करते रहे और भारत देश का नाम ऊंचा करते रहे। और हमारे साथ अतुल भाई भी थे। और भाई कैसा लगा पूरा आज का जो है शोभा यात्रा? मस्त था यार, बढ़िया था। और पहला कवरेज देखा हमने, मतलब शोभा यात्रा में पहली बार शामिल हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब छोटा था, एकदम साउंड शांत से था, उतना भीड़ भी नहीं था और उतना वो भी नहीं था, ठीक ठाक भाई। मतलब कि एकदम शांतिपूर्वक जो है कि शोभा यात्रा संपन्न हुआ और जितने भी साल से हो रहे हैं कभी कोई हुड़दंगई नहीं हुई यहाँ पर जो है कि। और आई होप आप सभी को अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखा नहीं भूलिएगा।